Hi everyone. So today I'm going to talk about the cutoff of TBT JRF exam 2021. I'll be talking about two very important facts, and based upon that I'll be analyzing the cutoff, the scenario of the cutoff. So first point is that due to the frequency of repetitive questions, it was very high. It was really high, and जो भी लोग अच्छे से पढ़ के गए होंगे, जो भी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करके गए होंगे, डेफिनेटली उनके सवाल जो है वो बहुत अच्छे से बन पाए होंगे, उनको ईज रहा होगा एक सवाल करने में. तो एक ये बात हो जाती है जिसके कारण पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट सॉर्ट ऑफ हो जाता है. ठीक है, अब इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन थे वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे थे. सो लाइक मैं बोल सकती हूँ कि जैसे आपको बताया गया था कि सेल सिग्नलिंग से, प्लांट फिजियोलॉजी से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, आपको मिले थे, और जिस तरीके से हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह देते हैं तो वो भी आपका सिनेरियो जो था वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि हमने आपको कुछ टॉपिक्स बताए और जो पेपर था वो कहीं और से ही आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था. तो अगर आप सुन के हमारी बातों को अच्छे से करके गए होगे न्यूमेरिकल्स वगैरह को प्रैक्टिस करके, तो डेफिनेटली आपके लिए पेपर वॉज ओके. नाउ बात करते हैं कि क्या चीज़ पेपर को डिफिकल्ट बना सकती है. तो अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो पेपर सेक्शन ए था दैट वॉज डिफिकल्ट, बट ओनली फॉर अ bunch of students, not for everyone. Difficult था मैं मानती हूँ. Why? क्योंकि numerical का number बहुत ज़्यादा था, और numerical का level जिन बच्चों ने नहीं तैयारी की थी उनके लिए definitely वो चीज़ उसको difficult बना देती है paper को. तो वो चीज़ वहाँ पे बोल सकती हूँ कि balance out करेगा इस paper के जो cut off का scenario है उस. तो अगर मैं आपको एक maximum number दूँ कि उसके ऊपर cut off नहीं जाना चाहिए, according to me that should be 240-245, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि पेपर मतलब इजी था, बट नॉट एवरीबडी इज दैट वेल रेड कि हर कोई 260 टाइप सी मार दे, नहीं तो हर कोई टॉपर ही बन जाए फिर उस सिनेरियो में, तो है ना. और इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि आई थिंक 200 के नीचे मुझे नहीं लगता जाएगा. दैट इज माय अजम्पशन, प्योरली बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स रिएक्शन एंड देयर परसेप्शन. ओके, आई एम माई सेल्फ हैव नॉट गिवन द पेपर, आई हैव नॉट सीन द पेपर एज वेल. सो अकॉर्डिंग टू जो भी मुझे पता चला है, जो भी समझ में आती है चीज़ें, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 200 से नीचे शायद नहीं जाएगा. तो 220 प्लस जो है दे कैन बी होपफुल, बट जिनका 240 प्लस है दे कैन बी वेरी मच श्योर, मतलब उनको परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है 240 प्लस. क्योंकि बच्चे इस बार लिटरली 240 एक्सपेक्ट करके गए थे कि हमें 240 मार्क्स का पेपर करके आना है, एंड वेरी लाइक अ लॉट ऑफ देम हैव डन सो एज वेल. As told by students only. तो this is the simple scenario. तो वही है कि बस आपका जो कट ऑफ है वो 240 के ऊपर अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो हो जाएगा. 220 प्लस है तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकते हो. 200 प्लस में भी आप पॉजिटिव रह सकते हो, आप होपफुल रह सकते हो, बट देन chances will be quite mild or low, I can say. ठीक है, बट 200 के नीचे तो मतलब it's quite difficult, I feel. तो this is the real situation I am telling you about, and we'll see in the next video. मैं ICMR के लिए कुछ बहुत जल्दी start करने वाली हूँ, तो उस video में मैं आप लोगों के साथ में बहुत जल्दी मिलूंगी. Take care everyone, we'll see in the next video. Bye bye.